हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम इसके बारे में जितना ही जाने उतना ही कम है। इसीलिए दुनिया में अलग अलग देशों की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मांड में अलग अलग मिशंस करते ही रहते हैं, और इसी लिस्ट में हमारा इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी आता है। आज के टाइम पर मुझे इसरो के बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज जो शायद आप इसरो के बारे में नहीं जानते कि अब इसरो खुद का स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाला है। आप ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन अब इंडिया इसका हिस्सा ना रहकर खुद का स्पेस स्टेशन यानी कि इंडियन स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। अभी तक 3 देश ही ऐसा कर पाए हैं, रशिया, चाइना और अमेरिका, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, जिसे अमेरिका, रशिया और यूरोप संघ के साथ जापान के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसके बाद नाम आता है चाइना के स्पेस स्टेशन तवांग 2 का। अभी तक चाइना 2 स्पेस स्टेशन को लॉन्च कर चुकी है, लेकिन तवांग 1 धरती पर ही क्रैश हो गया था, जिसके बाद चाइना ने तवांग 2 को सक्सेसफुली लॉन्च किया। लेकिन इन दोनों ही स्पेस स्टेशन में सबसे ज्यादा सक्रिय है ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे कि 1998 में लॉन्च किया गया था, जिसका वजन करीब 419 टन है, और चाइना के स्पेस स्टेशन का वजन करीब 60 टन है, और जो इंडिया का स्पेस स्टेशन होगा उसका वजन करीब 20 टन होने वाला है। हमारे इंडिया का स्पेस स्टेशन इन दोनों ही देशों के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, क्योंकि इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि इसे कम कॉस्ट में लेकिन ज्यादा लंबे समय के लिए यूज किया जा सके। स्पेस स्टेशन बेसिकली एक स्पेस लेबोरेटरी की तरह काम करता है, जिसमें एक्चुअली एस्ट्रोनॉट्स जाकर रह सकते हैं। इस स्पेस स्टेशन में वाटर, ऑक्सीजन, वाटर रिकवरी सिस्टम यानी कि कहें तो इंसानों की रहने की हर एक सुविधा मौजूद होती है, और ऐसा ही कुछ हमारे इंडियन स्पेस स्टेशन में भी होगा। लेकिन इंडिया स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने से पहले गगनयान मिशन को ज्यादा महत्वपूर्ण समझ रही है। अभी इसरो गगनयान मिशन पर काम कर रही है, जिसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में 7 दिन के लिए एस्ट्रोनॉट्स को 400 किलोमीटर ऊपर यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा अंतरिक्ष और पृथ्वी की माइक्रोग्रेविटी को स्टडी करने के लिए, जिसके लिए 2 पायलट्स को तो सिलेक्ट भी कर लिया गया है। जब गगनयान मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो इंडिया के पास एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की भी क्षमता हो जाएगी, और इसरो SpaceX के फैल्कन रॉकेट की तरह ही रॉकेट बनाने में लगा हुआ है, जिसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि इसे एक बार स्पेस में भेजने के बाद वापस धरती पर लाया जा सकेगा, जिसकी वजह से इसरो की लागत कम हो जाएगी। वैसे तो इसरो को पहले से ही कम लागत में बड़े मिशन करने के लिए जाना जाता है, लेकिन जब एक बार इसरो का गगनयान मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो उसे और आगे बढ़ाने की सोचेगी, जिसके लिए इंडिया को अपने खुद का स्पेस स्टेशन तो चाहिए ही होगा। लेकिन स्पेस स्टेशन को सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए इंडिया स्पेस डॉट टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है। बेसिकली इस टेक्नोलॉजी की मदद से किसी दूसरे स्पेस क्राफ्ट को किसी दूसरे स्पेस क्राफ्ट से ज्वाइन करा जा सकता है, और इसी टेक्नोलॉजी की मदद से बेसिकली किसी भी स्पेस क्राफ्ट में रिफ्यूलिंग की जाती है, और कोई एस्ट्रोनॉट्स किसी दूसरे स्पेस क्राफ्ट में किसी दूसरे स्पेस क्राफ्ट की मदद से जा सकते हैं। और फाइनली हो सकता है कि 2030 तक इंडिया खुद का स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में लॉन्च करे, जिसे अर्थ की लोअर ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा, ताकि आसानी से एस्ट्रोनॉट्स को उस स्पेस स्टेशन में भेजा जा सके, और इस स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में ले जाने का काम दिया जाएगा GSLV-3 को। दरअसल एक स्पेस स्टेशन की मदद से ज्यादा समय तक एक एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में रखा जा सकता है, जिसकी मदद से कई सारे स्पेस के मिशनों को अंजाम दिया जा सकता है। भले ही इंडिया का स्पेस स्टेशन ISS के मुकाबले थोड़ा छोटा होगा, लेकिन ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा खास होगा, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स 10 से 20 दिन तक रह सकेंगे और धरती की माइक्रोग्रेविटी पर रिसर्च कर वापस धरती पर आ सकेंगे। और इतना ही नहीं, इस स्पेस स्टेशन की मदद से हम अंतरिक्ष में भी नहीं बल्कि धरती पर भी निगरानी कर पाएंगे।
क्योंकि इसरो के इस स्पेस स्टेशन में अभी तक के सबसे एडवांस कैमरे लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से जिन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में धरती की निगरानी करने के लिए लॉन्च किया जाता था उसकी लागत भी बचाई जा सकेगी। वैसे गाइस, मैंने इसरो की फुल हिस्ट्री पर भी एक वीडियो बनाया है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं, जो कि अभी आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।